जी कैपिटल मार्केट में वो अब डेप्थ रह गई है, वो मजा भी रह गया है, जहाँ पे आप कहें कि मेरी ब्रोकरेज फर्म है और मैंने इतने बड़े अच्छे रिसर्चर्स को रखा हुआ है। मैनिपुलेशन है मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की, जो इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअली मार्केट को रन करते हैं और जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो इस वक्त है ही नहीं कहीं पे। तो अभी तो म्यूचुअल फंड्स के हाथ में मार्केट है, वो अगर एक शेयर में लेट्स आज से उन्होंने सब सोचा कि जी हम सीमेंट सेक्टर में चले जाएंगे, तो सीमेंट सेक्टर में अगर उन्होंने 1 करोड़ 4 करोड़ की बाइंग कर दी है तो सीमेंट पायनियर का अपर कैप लग गया। और मार्केट का जो हमारी जो मार्केट में एक बड़ी अच्छी बात थी कि इन्वेस्टर भी है, जॉबर भी है, एक वर्सेटाइल मार्केट है, हर किस्म के लोग हैं, वो इस वक्त मार्केट में खत्म है। डिफॉल्ट होने लगा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक होना शुरू हो जाए और आपकी वैल्यू जो करेंसी की है वैल्यू वो खत्म होना शुरू हो जाए, इंपोर्ट्स रुक जाए, लोगों की सैलरीज रुक जाए, लोगों के कारोबार बंद हो जाए, तो ये सारे प्रील्यूड होते हैं टू डिफॉल्ट सिनेरियो। जो मर्जी कहते रहे इकोनॉमिस्ट, जो मर्जी कहते रहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो मर्जी आपको बताते रहे, बट आपको अंदर से एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार हम वाकई ही उस हालत पे पहुंच गए हैं जहां पे हम वी आर एक्चुअली इन अ कंडीशन वेयर डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। आप देखें आपके पास रिजर्व है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पैसे कहां से आने हैं, आपके पास अगर $5 बिलियन देना है तो आप $5 बिलियन के लिए तरस रहे हैं कि जी कोई आपकी फ्रेंडली कंट्री दे दे, कोई चाइना दे दे, कोई UAE दे दे। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं आसिम जफर साहब, ही हैपेंस टू बी द सीईओ ऑफ ब्रोकरेज फर्म। इनसे हम समझते हैं कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स और जनरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर्स हैं वो आजकल किन मसाइल का सामना कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज अप विद द स्टॉक मार्केट, व्हाट यू पीपल आर डूइंग देयर? जी देखें, आई थिंक जहां तक पूरी इकोनॉमी का ताल्लुक है, तो अगर हम हमेशा बात करते रहे कि डिफॉल्ट होने लगा है और डिफॉल्ट होने के कुछ सिनेरियोज होते हैं वो आपके सामने अनफोल्ड होना शुरू हो जाए, लाइक इंटरेस्ट रेट्स हाइक होना शुरू हो जाए और आपकी वैल्यू जो करेंसी की है वैल्यू वो खत्म होना शुरू हो जाए और आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, जैसा अभी आप बात कर रहे थे, इम्पोर्ट्स रुक जाए, लोगों की सैलरीज रुक जाए, लोगों के कारोबार बंद हो जाए, तो ये सारे प्रील्यूड होते हैं टू डिफॉल्ट सिनेरियो। जो मर्जी कहते रहे इकोनॉमिस्ट, जो मर्जी कहते रहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स, जो मर्जी आपको बताते रहे, बट आपको अंदर से एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार हम वाकई ही उस हालत पे पहुंच गए हैं जहां पे हम वी आर एक्चुअली इन अ कंडीशन वेयर डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। आप देखें आपके पास रिजर्व है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पैसे कहाँ से आने हैं, आपके पास अगर $5 बिलियन देना है तो आप $5 बिलियन के लिए तरस रहे हैं कि जी कोई आपकी फ्रेंडली कंट्री दे दे, कोई चाइना दे दे, कोई UAE दे दे, तो एक्चुअली तो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। इफ यू वांट टू बिलीव इट, तो नजर आ रहा है कि डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। जहां तक हमारी स्टॉक मार्केट की इकॉनमी या स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी की रिलेशनशिप है, तो वो आपको नजर आता है कि देयर इज नो मच रूम। ऐसी मैनिपुलेशन है मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअली मार्केट को रन करते हैं और जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं और जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो इस वक्त है ही नहीं कहीं पे। तो अभी तो म्यूचुअल फंड्स के हाथ में मार्केट है, वो अगर एक शेयर में लेट्स आज से उन्होंने सब सोचा कि जी हम सीमेंट सेक्टर में चले जाएंगे, तो सीमेंट सेक्टर में अगर उन्होंने 1 करोड़ 4 करोड़ की बाइंग कर दी है तो सीमेंट पायनियर का अपर कैप लग गया। तो वो बिल्कुल मार्केट में जो होती है ना डेप्थ, और मार्केट का जो एक हमारी जो मार्केट में एक बड़ी अच्छी बात थी कि इन्वेस्टर भी है, जॉबर भी है, एक वर्सेटाइल मार्केट है, हर किस्म के लोग हैं, वो इस वक्त मार्केट में खत्म है। अगर आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस की आप बैलेंस शीट उठा लें और देख लें कि इनकम कहाँ से आ रही है, तो देयर इज नो इनकम, ब्रोकरेज इनकम कोई भी नहीं, अदर इनकम शायद हो, इतने खर्चे ज्यादा हैं और इतनी ब्रोकरेज है ही नहीं जितना वॉल्यूम है, इतनी ज्यादा ब्रोकरेज फर्म्स हैं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज मेकिंग एनी मनी। जफर सर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज ऑफ द जनरल पब्लिक, इस 7 अरब रुपए के काम से कितना ब्रोकरेज जनरेट हो जाता होगा? पहले तो 135 ब्रोकर होते थे कराची के, अब ये 300 ब्रोकर सारी एक ही मार्केट हो गई है, तो 7 अरब पे अब वैल्यू ट्रेडेड आ गई है,
और उसमें भी आप देखें बिल्कुल वॉल्यूम लीडर्स में वर्ल्ड कॉल और सिल्क जैसे स्टॉक के अंदर दबा के वॉल्यूम कर देते हैं और ओजीडीसी से इंडेक्स खींच देते हैं, पर ये कितने दिन चलेगा पाकिस्तान में इस तरीके से कैपिटल मार्केट के साथ? आई डोंट थिंक जी कैपिटल मार्केट में वो अब डेप्थ रह गई है, वो मजा भी रह गया है, जहां पे आप कहें कि मेरी ब्रोकरेज फर्म है और मैंने इतने बड़े अच्छे रिसर्चर्स को रखा हुआ है और मैंने इतनी अच्छी टीम बना के रखी हुई है और ये टीम जो है आपको एडवाइस कर रही है, क्योंकि कोई भी एडवाइस इज आउट ऑफ द डोर, टेक्निकल हो या फंडामेंटल हो, वो आप जो मर्जी कर लीजिए, 20% इंटरेस्ट रेट्स और विद द पोटेंशियल कि 1% और बढ़ने और 2% और बढ़ जाना है, तो आपका ख्याल है कोई अच्छा इन्वेस्टर जो बेचारा बड़ा सूझ समझ के आएगा, वो अगर आप उसको ये भी कन्विंस कर लेंगे आपको 25% मिल जाएगा, वो कहेगा मैं बेवकूफ हूँ, मेरा फिक्स में 20% मिल रहा है, मुझे रिस्क लेने की क्या जरूरत है 5% में, व्हाई शुड आई कम इनटू योर स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्ट। 5% सो गेन अनफॉर्चुनेटली वर्सेस हंड्रेड वो परसेंट लॉस, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली वर्सेस अ मेजर लॉस, जो पोटेंशियल लॉस भी है, तो जब तक उसको 50% का कोई पोटेंशियल ना हो, और आप देख लें वैसे अनफॉर्चुनेटली अर्निंग्स इतनी अच्छी हैं कंपनियों की, मगर वो वैल्यू है ही नहीं स्टॉक मार्केट में जो उनकी होनी चाहिए। जो 1-1.5 की PE पे शेयर चल रहे हो और आप कहो कि यार ये BOP देखें 3.5 रुपए की अर्निंग है और 4 रुपए 30-40 पैसे रेट है, तो डजेंट मेक सेंस, इट डजेंट मेक सेंस, डिविडेंड भी है, सब कुछ है, तो वो जब तक पब्लिक के एक दोबारा से रैली नहीं आएगी, और ये रैली उसी वक्त आएगी आई थिंक इन माई ओपिनियन। देखिए अभी हमने बहुत पैसा देना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर देते हैं पैसा, वो भी देना है मल्टी डोनर्स को भी पैसे देने हैं, जो हमारे क्या है बाहर पैसे दिए पाकिस्तान ने, जो फॉरेनर्स ने जो दिए, पाकिस्तानियों ने बाहर हमें डॉलर दिए हुए एंड RD अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू सम रोशन डिजिटल एस्टिमेट्स अकाउंट में, वो भी 3 अरब वापस कर डॉलर के तो आपके जो कॉर्पोरेट एक्शन के बेनिफिट्स हैं वो गोरा बाहर नहीं ले जा पा रहा, इस वजह से भी काफ़ी बेयकीनी की सिचुएशन है और काफ़ी परेशानी है। तो उसकी ये एक सिल्वर लाइनिंग जो मुझे नजर आती है, हर चीज में सिल्वर सिल्वर लाइनिंग है। आई थिंक ये जो 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 भी है एक आपको इंडस्ट्रियलिस्ट है या ब्रोकर है या कोई भी, उसको एक चाहिए कि यार एक लॉन्ग टर्म हमें ये पॉलिसी बताओ, और वो पॉलिसी उसी वक्त आएगी जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, और वो नई गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू ही आनी है, कोई इम्पोर्टेड या कोई यानी बाहर से या कोई अंदर से कोई गवर्नमेंट को नहीं बन सकती, ये दिस इज ओनली वन वे, और वो इलेक्शन ही है, और जो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के बिफोर द इलेक्शन आपको एक सिनेरियो क्लियर होता नजर आएगा, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उसके बाद ही कोई डायरेक्शन बनेगी मार्केट की भी और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी, और जो बिजनेसमैन भी है जिसने अपना पैसा इस वक्त सारा म्यूचुअल फंड में डाल के रखा हुआ है और वो इंटरेस्ट कमा रहा है, वो आई थिंक उसी वक्त पैसा लाख वापस इन्वेस्ट करेगा जब उसको क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट में। तो आसिम, यू आर ट्राइंग टू से कि ये जो 22-23 बिलियन डॉलर की अदायगियां सामने रखी हैं अगले 12 महीने में, कोई भी कंट्री चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाइना हो, यूएई हो, इंक्लूडिंग IMF, नोबडी इज गोइंग टू बेल यू आउट, बिकॉज आपकी जो लेंथ ऑफ गवर्नमेंट है, जो लेजिटिमेसी है टू रूल, वो दैट इज़ लेस देन अ ईयर। सो वाई वुड अ यस गवर्नमेंट बी ग्रांटेड अ लोन और वट एवर यू मे वॉन्ट टू कॉल इट, पैसे वापस ना मिले ऐसी जगह तो कोई नहीं देता। सो गवर्नमेंट जिसकी लेंथ ऑफ लाइफ लेस देन 1 ईयर है, उसको कोई कैसे 5 साल 10 साल के लिए क्रेडिट एक्सटेंड कर सकता है या रोल ओवर कर सकता है? सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज जो बहुत बिल्कुल स्ट्रांगली समझते हैं कि सियासी मैस को सेटल करना ज़रूरी है। जी, सियासी मैच को बहुत जरूरी है सेटल करना, और मैं एक और चीज पे बहुत बिलीव करता हूं कि जो भी गवर्नमेंट आए उसकी इकोनॉमी और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हमें ये नहीं ट्रस्ट कि नून लीग की हुकूमत आएगी वो PTI की हुकूमत की जो चीजें हैं वो खत्म कर देगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी वो दोनों की चीजें खत्म कर देगी, तो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ मस्ट, और वो जब तक उस कॉन्फिडेंस नहीं हमें आएगा या और बायर डोनर्स को नहीं आएगा। देखिए इलेक्शन हर जगह होते हैं, हर जगह एक पार्टी जाती है दूसरी पार्टी आती है, बट उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट है। इंडिया में देख लें मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज थी हर एक ने कंटिन्यू की, उसकी वजह से आज इंडिया देखें कहाँ खड़ा हुआ। हम देखें वो आदमी कोई अच्छा काम भी करता है हम उसे कहते हैं नहीं ये नवाज शरीफ ने किया था हम इस पर काटा लगा दें, नहीं जी अब ये इमरान खान ने किया था उस पर काटा लगा दें,
ये जी बेनजीर ने किया था वो तो अब हम नहीं कंटिन्यू करेंगे उस पर। जो भी काम अच्छा है बेशक कोई भी गवर्नमेंट करे हमें उसको एंडोर्स करना चाहिए और कहना चाहिए हाँ यार ये बड़ा अच्छा काम किया इसने, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इरिस्पेक्टिव कौन सी हुकूमत आएगी। बट ये सो देखें आई थिंक ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। या पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए होती है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री है किसी सियासतदान वजीर आजम ने 5 साल की टर्म पूरी नहीं की। बट ये भी तो बात देखें अच्छी है ना कि आर्मी चीफ का टेन्योर और लीगली वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट अब 6 साल ही हो गया है ना। सो व्हेन आर्मी चीफ इज सिटिंग साइड बाय साइड विद अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड टॉकिंग टू बिजनेस कम्युनिटी, आई एम स्टिल हियरिंग यू आर नॉट हैप्पी, व्हाई? देखें जी आर्मी का आई थिंक द फर्स्ट टाइम इन जो पिछले 6 सालों में हुआ आर्मी ने कहा जी हम इकोनॉमी को भी आप लोग नहीं कर सकते, सियासतदान पॉलिटिकली आप लोग भी इनकॉम्पिटेंट हैं तो हम इकोनॉमी को ठीक करेंगे। तो उन्होंने कहा जी ये भी हम वेंचर करें, हालांकि इकोनॉमी कोई वो नहीं है, इट्स नॉट कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें या घटा दें, इट्स नॉट 101 इकोनॉमी थे आप कर लेंगे। हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी होती है, उसके अपने डायनेमिक्स होते हैं, उसमें ब्लैक मनी बहुत इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत सा ग्रे एरिया है जो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जी आप बस जी मैंने जो पढ़ लिया या गूगल पे मैंने जो सर्च कर लिया वो ही बनेगा काम, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है ही हैज टू लुक एट द कॉमर्स मिनिस्टर ऑल्सो, वो उसके साथ जाके बैठता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठता है, वो जो पब्लिक स्पेंडिंग है वहां पे जाके देखता है, वो एक पूरी टीम बनती है, फिर आप इन्वॉल्व करते हैं अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, फिर आप दूसरी पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, आप कहते हैं अच्छा यार जो ऑपोजिशन है उसको अपने साथ बिठाओ और मिला के बैठ के चलो, इधर तो बात करने को तैयार नहीं ऑपोजिशन से कोई, वो तो यानी समझते हैं वो तो बस हम ही रूल करेंगे, बस हम ही है, ऑपोजिशन को तो डंडे मार के तो जेलों में डाल दो। तो ऐसे दैट्स द तो माइंडसेट। कंट्रियां चलती ना, ऐसे तो अपने मुल्क को नहीं चला सकते आप, एग्जैक्टली, वो ऐसे तो आप आर्मी घर नहीं चला हो सकते। या वो एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो भी इकदार में आता है वो अपने टूल इस्तेमाल करता है, तो इट्स इस तरह तो इकोनॉमी नहीं चल सकती ना। यू आर राइट आसिम, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आसिम, इस वक्त हम ओके छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बातचीत के सिलसिले इनसे शुरू करेंगे। लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले हमें तफसील के साथ आसिम ने समझाया कि जो पॉलिटिकल फ्रंट के चैलेंजेस हैं वो ही दरअसल में इकॉनमी को ड्रैग कर रहे हैं, और इकोनॉमिक जो ट्रबल्स हैं और जो सिचुएशन है वो उसी की वजह से, बिकॉज हम पॉलिटिकली चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में नाकाम रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नज़र आ रहा है कि जो कैपिटल मार्केट है, जो कि हमेशा एक शोकेस का रोल अदा करती है, चाहे इकॉनमी कितनी ख़राब परफॉर्म कर रही हो, बट कैपिटल मार्केट की हमेशा से ये ब्यूटी रही है कि बहुत थोड़े से पैसों के साथ इकॉनमी को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ दिखाया जा सकता था। वहाँ यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर के 4 कुएं रोज खोद के आप खबरें लगा के ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेज़ी कर सकते थे, टेक्सटाइल सेक्टर में बूम दिखा सकते थे वहाँ पे ट्रेडिंग के ज़रिए। ईच इकोनॉमी सेंटर गो के सिर्फ 600 से कम लिस्टेड कंपनीज हैं, 300 के आसपास डिफॉल्ट काउंटर हैं, बट येट स्टॉक मार्केट यूज़ टू बी अ प्लेस कि जहाँ पर से जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता था वो अपनी मर्जी की चीज़ें पेंट कर देता था। बट इस वक्त कैपिटल मार्केट की सिचुएशन हिस्टोरिकली चैलेंजिंग है, ख़राब है, और कह सकते हैं कि 7 बिलियन रुपीस के डेली वॉल्यूम और वैल्यू ट्रेडेड के साथ साथ ये जो एक्सचेंज है ये लॉन्ग टर्म में इस तरीके से सस्टेन नहीं कर सकेगा, और इन्वेस्टर और पाकिस्तान की इकॉनमी विल कंटिन्यू टू सफ़र। आसिम, मैं आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ। यू वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई वो कैपेबल होता है, उसको समझ होती है, वो चीज़ें खुद ड्राइव करता है और वो दूसरों के हेल्प पर नहीं रहता। हमने ये भी तो देखा है कि पाकिस्तान में अब गुज़िश्ता 10-15 सालों से इकोनॉमिस्ट कहाँ आपको मिलता है। आपको ऐसे ही एलीट क्लास के लोग मिलते हैं जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसलिए बनाते हैं, और उसमें भी एलीट ऑफ़ द एलिटिस्ट होते हैं, और वो इसलिए होती है कि ताकि एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बर्डन आ जाए ऑफ़ द डिसीजन। हमें 10-12 सालों में पिछले कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दिखाई दी। 10 सालों में आपने हाइडल से बिजली बनाने वाले सारे प्रोजेक्ट को ख़त्म किया, और आज आप आंसुओं से रो रहे हैं, और अब जो आप दोबारा से हाइडल की तरफ जा रहे हैं तो 10 साल बाद नतीजा आएगा। बट पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक कि 10 साल हैं। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट, आपने एक मार्केट कर दी,
और एक मार्केट करने के बाद अब आप 7 बिलियन के वैल्यू ट्रेडेड के ऊपर बैठे हुए हैं, इकोनॉमी में प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। सो ऐसे में व्हाट इज़ द प्लान, आपको क्या नज़र आता है ऑन द फोरफ्रंट ऑफ द कैपिटल मार्केट्स? आई थिंक जी अनफॉर्चुनेटली प्लान किसी के पास नहीं. ये पाकिस्तान की बड़ा एक अलमिया रहता है, नोबडी हैज अ प्लान. राइट वो आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें, वो आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे में देख लें, देर इज नो प्लान. क्या देर इज नो फॉरवर्ड लुकिंग पीपल हु कैन टेल के जी अब ये हमारी डायरेक्शन है, या ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है और इस पे हमने चलना है. तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में भी यही है. आपने कहा डिम्यूचुअलाइजेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और हम कैपिटल मार्केट डेवलप करेंगे, और वो हो भी गई. आपने अपने स्टॉक्स चाइना को भी बेच दिए, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी ले आए, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी ले आए, और और कुछ नहीं हुआ मैनेजमेंट बल्कि कंट्रोल भी दे हमने दिया। मैनेजर कंट्रोल भी दे दिया. आपने हाथ धो के बैठ पीछे बैठ के, और उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सामने कोई ऐसा मुझे नहीं नजर आया कैपिटल मार्केट में भी. तो आई थिंक आप जो इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि जी कहाँ से ये एक इकोनॉमिस्ट लेके आएंगे, कहाँ से मनमोहन सिंह एक ले आएंगे पाकिस्तान में जो करेगा, हमारे पास आई एम वेरी श्योर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. एवरीबडी इज गिवन. मैंने जो आप पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, बहुत से लोगों ने आपको अपने अपने प्लान्स दिए हुए हैं, बहुत से लोगों ने आपको आइडियाज दिए हुए हैं. तो इसका नतीजा ये होता है कि आप एक एक जिससे इमरान खान ने भी सपोज एक अगर अपनी टीम बनानी है, या जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ रहा है उसने भी अपनी कोई टीम बनानी है, उसको अभी से वर्किंग करनी पड़ती है, अभी से उन लोगों को एंगेज करना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, पेपर्स सुनने पड़ते हैं, और पेपर्स सुन के उनके आइडियाज के साथ, कोई यंगस्टर्स के आइडियाज के साथ आपको एक विजन बनानी पड़ती है. और लीडर का काम होता है विजन बनाना, और वो विजन जो इकोनॉमिक विजन इस वक्त बना गया, और उसने ये एजेंडा नहीं है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं अदालत को मैं ये कर दूंगा, दिस इज नॉट एन एजेंडा एनी मोर. एजेंडा इज इकोनॉमी को कौन ठीक करेगा, किस तरह ठीक करेगा, उसका क्या गेम प्लान है. आई थिंक वो वोट लेना एक वो इट्स इजी टू गेट अ वोट एक स्लोगन के ऊपर, मगर बिहाइंड द स्लोगन यू हैव टू वर्क नाउ. उस वक्त भी आप आए, अगर कोई भी आएगा प्राइम मिनिस्टर और वो आके बैठ जाएगा कि जी अब मैंने अब आओ जी आओ टीम बनाओ, तो इट्स टू लेट. आई थिंक गेम प्लान हैज टू स्टार्ट, शुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डे बिफोर यस्टरडे, और उसमें आके आप अपना प्लान बताएं और बताएं कि जी किस आप इकोनॉमी को ठीक करेंगे, आपका एजेंडा क्या है. आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि जी सीमेंट सेक्टर नहीं आईटी सेक्टर पे जाएं, टेक्सटाइल नहीं, आप क्या कहते हैं कि नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी दें कि वो आपका जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट करें, कोई फ्रेश स्टार्टअप्स के ऊपर कंसंट्रेट करें कि हाँ जी ये जो फ्रेश स्टार्टअप्स हैं इनके ऊपर हम बैठ के मिल बैठ के इनको प्रमोट करेंगे. एक भी कोई हिट आइडिया आया, दैट्स अ बिलियन डॉलर आइडिया. अब बिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर या 5 बिलियन डॉलर एक फ्रेश आईटी फ्रेश कंपनी को बनाना और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें लाना इज नॉट अ बिग थिंग एनी मोर. हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते. हम कहते हैं मरा हुआ घोड़ा है उसको भाई जान मार मार के उठाओ, भागता क्यों नहीं. अब टेक्सटाइल नहीं भाग सकती, आपका टेक्सटाइल की इम्पोर्ट अगर आप करोगे अपनी कॉटन तो नहीं भाग सकती. एग्रीकल्चर इतना बड़ा आपका सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, नोबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. आई मीन आप पाकिस्तान की बैकबोन कहते हैं कि वो मेरा ख्याल है द ओनली बोन लेफ्ट इज द एग्रीकल्चर. अगर आप उस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इट कैन डो, उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नई प्रोडक्ट्स हैं, कैंड जूसेस हैं, पता नहीं क्या क्या आप कर सकते हैं उसके अंदर. बट आप आसिम कहते हैं कि जफर आपने साहब, पानी की बात की, क्योंकि हम देखें हाइड्रल 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 देखें जी दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम गोरा जिस खित्ते को देखे गया वो हमारा खित्ता है। सबसे ज़्यादा जरखेज़ जो गल्ला दुनिया को जिसको गोरा कहता था, दैट वाज पंजाब। आज हम किस जगह पे आ गए हैं कि हमें कॉटन और एग्रीकल्चर की यानी कॉटन का रॉ गुड्स इंपोर्ट करना है और जो दालें हैं हमें ये इंपोर्ट करनी है।
बट लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट के लिए हमेशा लोग कहते हैं कि जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो लोग सर जोड़ के बैठते हैं और कहते हैं कि यार पुट द हाउस इन टू द ऑर्डर. हम 4-5 सालों से, यानी ये जो नया ट्रेडिंग सिस्टम है, इस कमिटमेंट के साथ चाइनीज़ ने टेक ओवर किया था कि हम विद इन अ ईयर नया ट्रेडिंग सिस्टम लाएंगे और कैश सेटल फ्यूचर्स ऑप्शंस और ये सारी प्रोडक्ट्स ले आएंगे और कम वॉल्यूम के अंदर इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेंगे. सो कम वॉल्यूम तो लगता है कि इज़ नाउ अ काइंड ऑफ परमानेंट फिनोमेना, बट वुड यू लाइक टू कॉमेंट कि ये प्रोडक्ट्स कभी आप देख सकेंगे कैपिटल मार्केट में जो कि एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? आई थिंक जी ये आप यू हिट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, हम उस पे उसी के ऊपर चल चल के उस पे सियासतदान भी काम कर रहे हैं बदला और आप लोग भी खुश हैं उसके साथ एंड यू वांट टू लिव एंड डाई विद इट. बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा सिस्टम बन गया है और ये जो इतना बड़ा आई एम श्योर चाइनीज भी बेखल है, वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर नहीं, वो भी इन किसी के पीछे चलना शुरू हो गए या उन्होंने हैंड्स ऑफ कर दिया कि यार ये हमारा बैड प्रोजेक्ट, इसको मारो गोला. मे बी वो वाला हाल हो गया, उन्होंने भी छोड़ दिया इसको, अपने हाल पे छोड़ दिया. बट यू रेडी सेड कि नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, इकोनॉमी ठीक होनी पड़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होना पड़ेगा. उस ये सारे फैक्टर्स हैं बिफोर आप कहें. ये इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर ब्रोकर्स और मैंने देखा है मोस्टली वही हो गया जो पहले था ना कि जी ई क्लियर आ गई है, सारे ब्रोकर उसके एजेंट बन गए हैं और वो जो ई क्लियर है वो सबको हैंडल कर रही है और वो बस वही पोस्ट ऑफिस की तौर पे काम कर रहे हैं ब्रोकर्स. कुछ ब्रोकर्स रह गए हैं जिनके पास इतनी अभी फाइनेंशियल मसल है या इतनी पीछे बैकिंग है कि वो अभी सस्टेन करे और कहने यार एक साल और देख लेते हैं, फिर हम ले ऑफ्स करेंगे, फिर हम सैलरीज कट करेंगे, बट हम वी वांट टू सी वन मोर ईयर. बिकॉज हुआ ये है कि साइक्लिक चलता है, 2-3 साल बाद ऐसी तेजी आती है आप सारा पुराना भूल जाते हैं, कहते हैं यार ये वॉल्यूम बड़ा अच्छा, बिलियन का वॉल्यूम लगते हैं 2-3 दिन तो आप कहते हैं यार वेरी नाइस, अब तो ये तो ऐसी ब्रोकरेज फर्म ही कोई नहीं होनी चाहिए, देखो काम ही ये है बस. बट वो आई थिंक अब थोड़ा सा फर्क है बिकॉज टाइम लगेगा थोड़ा सा इसमें बिफोर And you never know कि कितने लोग उस वक्त तक बचेंगे. जी बिल्कुल, जो बचेगा वही obviously फिर कमाएगा भी जब eventually ठीक होगी market. Great, great. आसिम आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज. नाज़रीन आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के सदर नदीम रऊफ. मजीद हमें ज्वाइन किया था आसिम जफर ने जो कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर हैं, इनकी अपनी फर्म है. दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि माशी सरगर्मियाँ मान नहीं पड़ी बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं. जैसे बाकी कारोबारी हजरात फरमाते हैं कि कारोबार बंद है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और सारे के सारे क्राइसिस के पीछे सिर्फ एक चीज़ है विच इज़ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर और इम्पोर्ट बैन. इम्पोर्ट बैन के लिए किसी के पास कोई भी तारीख नहीं है. जो इसहाक डार साहब हैं एवरी डे इन डे आउट ही कीप सेइंग के पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया है और 1.8 बिलियन की ट्रांच आ रही है और फर्दर जो फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ से पैसा आ जाएगा, मगर ऐसी चीज़ ऑन द फ्रंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती. यही वजह है कि कारोबारी तबका भी जो है उसमें भी मायूसी बढ़ रही है. और कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में भी जो वॉल्यूम्स हैं, वैल्यू ट्रेडेड डेली है, वो हिस्टोरिक लोस के ऊपर है. चंद छोटे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है और इंडेक्स को बढ़ाने के लिए PPL OGDC टाइप के स्टॉक के अंदर थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी कर दी जाती है जिसकी वजह से लगता है कि बाजार से इसमें कुछ हो रहा है. सो ये सिचुएशन है और आगे देखते हैं कि डाउन द रोड नेक्स्ट वीक में जैसे कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, ट्रांच आ जाएगी, इकॉनमी चल पड़ेगी, ये होता है या नहीं होता है ये डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में. नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.